अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन्स। आज मैं आपको जो है एक कबूतर परवरी की बहुत ही बुनियादी इन्फॉर्मेशन वो आपको दूंगा कि कबूतरों की जो ड्रॉपिंग होती है उसकी कितनी अकसाम है और उससे हमें कैसे पता चलता है कि कबूतर की अब क्या कंडीशन है। ये जो है बहुत ही बुनियादी किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो कि जिसने भी परिंदे रखे हुए हैं, चाहे वो कबूतर है या कोई और परिंदा है, वो उसके मुतालिक उसको ज़रूर पता होना चाहिए। उससे वो उनकी जो है सेहत का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता है कि ये जो परिंदा है इस वक्त सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, या जो हम कबूतरों में बात कर लें तो इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, ये जो उड़ के आया है इसकी क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें कबूतरों की जो है ड्रॉपिंग, जिसको बीट कहती हैं, इसके थ्रू में पता चलता है। तो आज मैं आपको जो है इसके मुतल्लिक एक बहुत ही बुनियादी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली जो किस्म है वो कबूतरों की है सब्ज कलर की जो बीट करती हैं, जिसको हम कहते हैं हरे दस्त लग गए हैं कबूतर को, ग्रीन कलर की जो है इसने ड्रॉपिंग शुरू कर दी है। तो उससे हमें कैसे पता चलता है कि कबूतरों की क्या कंडीशन है। जो ग्रीन कलर की बीट है ये बुनियादी तौर पे जो है ये कबूतरों की बीमारी की अलामत है कि कबूतर जब बीमार होता है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा होता, उसके अंदर कोई मसला मसाइल है, तो वो इस कलर की ड्रॉपिंग करता है ग्रीन कलर की। ये तो तकरीबन सब जो है कबूतर परवर जो है जिन्होंने भी जो भी परिंदा रखा उनको पता होता है कि कलर जो है अगर ग्रीन हो गया तो इसका मतलब है ये अब तंदुरुस्त नहीं है, ये बीमार है। तो जैसे ही आप ये फाउंड करें कि ये ग्रीन है तो फौरी तौर पर उसका इलाज करें। अगर आप फौरी तौर पर उसका इलाज नहीं करेंगे तो जो है बीमारी बढ़ जाएगी और जो परिंदा है आपका वो मौत के मुंह में चला जाएगा। आपको दूसरी बात मैं साथ में ये बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो अब है ये ग्रीन कलर की बीट है कर रहा है तो इससे तंदुरुस्त हो रहा है। आपको ये कैसे पता चलेगा ये कि परिंदा जो है अब हमने इसकी मेडिकेशन किया तो ये रिकवर होना शुरू हो गया। उसकी दो तीन निशानी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले तो आपको जो है पता लगेगा कि जो कबूतर है उसकी जो बीट है उसमें से पानी कम हो गया है, वो जो है उसकी ड्रॉपिंग जो है उसमें से पानी मिकदार कम हो गई है और उसने जो है सख्त जो है वो ड्रॉपिंग करना शुरू कर दी है। सख्त से मुराद यह है कि ठोस जो हो जाएगी उसकी जो है ड्रॉपिंग, पहली बात तो ये होगी। जिस तरह ही पर रहेगी ग्रीन कलर की ही होगी, ग्रीन ही, पर जो है उसमें से नमी कम हो जाएगी और थोड़ी सख्त हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा फौरी तौर पर कि जो आपका ये जो कबूतर है ये रिकवर होना शुरू हो गया है, इसने जो है इसका बहाली का अमल जो है शुरू हो गया। अब ये कुछ दिन के अंदर जो है अपनी जो है नॉर्मल हालत में आ जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा और बेहतर होएगा तो उसकी जो ड्रॉपिंग है उसका कलर मेहंदी कलर का हो जाएगा, जिस तरह की मेहंदी होती है उस तरह का कलर हो जाएगा और वो थोड़ी ठोस और अच्छी हालत में आ जाएगा, मेहंदी कलर का हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपका जो परिंदा है अब ये काफी ज्यादा जो है ये बेहतर होने लग गया और अब ये रिकवर हो जाएगा। तो जैसे ही कलर चेंज होगा बीट का तो उसके बाद आपका परिंदा संभल जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि अब ये रिकवर होने लग गया, इसकी ये निशानियां अलामत आ गई हैं, ये कलर इन्होंने ये चेंज किया है तो अब ये जो है ये रिकवर हो जाएगा। पहली ये किस्म है जिसके बारे में तकरीबन ये तो सबको पता है कि हरी बीट करे तो बीमार होता है, ये तो तकरीबन सबको पता है। जो दूसरी किस्म है वो कबूतर की जो बीट है वो जब खुश्क बहुत ज्यादा कर जाए, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब वो ड्रॉपिंग करेगा तो बहुत ज्यादा जो उसमें नमी की मिकदार होगी नहीं तो ना होने के बराबर बिल्कुल जो है ठोस हालत में होगी, तो आपको पता चलेगा कि कबूतर का जो पेट है वो अंदर से जल चुका है। ये किस हालत में होगा, ये तब होता है जब कबूतर प्रवास करके आता है, क्योंकि आगे प्रवासी सीजन आ रहा तो आपको इस चीज का इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब कबूतर प्रवास करके आता है वो पूरा जोर लगा के आता है तो हम कहते हैं ये कबूतर अंदर से जल गया। वो कैसे पता चलता है, वो उसकी बीट के थ्रू पता चलता है कि उसकी जो बीट है वो बहुत ज्यादा जो है ठोस हालत में हो जाती है और उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होती और वो पानी के ऊपर गिरता है। हमें पता चलता है कि जो इसका पेट जल चुका है, अब उसको हमने किस तरह से रिकवर करना है वो भी मैं अपने आने वाली किसी इसी वीडियो की सीक्वेंस में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि किस किस्म की बीट करे और कबूतर उसकी जो है फिर हमने उससे उसको रिकवर उस बीट के हिसाब से हमने उसको रिकवर कैसे करना है, ये एक अलहदा टॉपिक है पूरा रिकवरी का। ये इसके ऊपर भी मैं एक पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के जो है शेयर करूंगा। तो जो तीसरी किस्म आ जाती है वो है कबूतर जो है पतली बीट करता है, मतलब कि उसकी बीट की कलर सेम होता है, जिस तरह की ये ब्राउनी सी बीट करते हैं वो आपके दाने के ऊपर भी होता है कि आप दाना इनको मिक्स डाल रहे हैं या सिर्फ गंदुम डाल रहे हैं या सिर्फ बाजरा डाल रहे हैं, उससे भी कलर के ऊपर जो है डिफरेंस आता है। तीसरी किस्म जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कबूतर बीट करता होती पतली है तो पर कबूतर बीमार नहीं होता,
वो चीज शो करती है कि कबूतर जो है कमजोरी में है, ये अभी कमजोरी में आ गया, अगर इसका इलाज ना किया गया तो जो है ये कबूतर जो है ये बीमारी में चला जाएगा। ये इसके चांस होते हैं कि कबूतर बीमारी में जा सकता है जब कबूतर पतली बीटें शुरू कर दे, मतलब कि पानी वाली बीटें होती है पर हरी नहीं होती, कलर उनका सेम होता है पर जो है उनको हरी बीटें नहीं होती, तो उसकी सूरत में भी जो है आपको पता चल जाता है कि आपका कबूतर बीमार है। चौथी जो किस्म है कबूतर बीट करता है जाग वाली, जब आप शुरू की फिरते लेते हैं कबूतरों की तो आप देखेंगे कि आपका कबूतर व्हाइट कलर की आके बीट करेगा और जिस तरह बुलबुले बने होते हैं उस तरह की होती है जाग होती है, जिसको कायदा तौर पे जो बुलबुले जिसे बबल्स कहते हैं वो होते हैं जाग होती है, तो आपको उसके थ्रू भी पता चलता है कि आपका जो कबूतर है वो जो है इस टाइम जो आपको उसके थ्रू भी पता चलता है कि आपका कबूतर जो है वो प्रवास करके आया है और ये अभी उड़ान में शुरू हो गया। जब कबूतर थोड़ा उड़ान करने लग जाता है तो उसकी ड्रॉपिंग जो है उसकी एक्साम जो है वो बदल जाती है और उसकी जो बीट है उसके अंदर जाग आ जाती है, जाग से आपको पता चलता है कि आपका कबूतर जब खुलने लग गया और ये परवाज बढ़ाने लग गया, ये उड़ान की निशानी है। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका ये कबूतर जो है परवाज में अच्छी तरह डल चुका है और इसके ऊपर अब आपने मेहनत करनी है। ये बहुत ही बुनियादी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे दोस्तों को नहीं है, जो पुराने दोस्त हैं उनको पता है पर जो न्यू आने वाले हैं उनको इसका नहीं पता कि इसके थ्रू हम कबूतर की किस तरह कंडीशन को देखते हुए ये पूरी जो है हिकमत अमली है, इसके थ्रू पूरे कबूतर की सेहत का हम अंदाजा कर लेते हैं। आप जब भी अपने लोट में जाएं तो बखूबी मुआयना करें कि आपको इससे पता चलता है कि आपका कबूतर किस कंडीशन में है। चौथी जो किस्म आ जाती है वो आपको मैंने बताया कबूतर जागदार बीट करता है जो कि बहुत ज्यादा उड़ान की निशानी है। पांचवी किस्म है कबूतर जो है वो चिकनाई वाली बीट करता है, वो लेसदार किस्म की होती है, लेस ही होती है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चिकनाई वाली बीट इसके लिए करता है, जब उसके अंदर हम बहुत ज्यादा अच्छी खुराक देते हैं तो कबूतर के अंदर जो है चर्बी हो जाती है, जैसे ही उसके अंदर चर्बी होगी तो वो जाग वाली बीट वो उसका क्या नाम है लेसदार किस्म की जो है बीट करना शुरू कर जाएगा। आपको पता चलेगा फौरी तौर पे पता चल जाना चाहिए कि ये कबूतर के अंदर चर्बी जायद हो गई है और उसकी डाइट को जो है हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। वो किस तरह करना है वो भी जो मैं अगली एक वीडियो आएगी जो इसकी का सीक्वेंस होगा उसके अंदर बताऊंगा। ये है पांचवी किस्म, कबूतर जो है चिकनाई वाली बीट शुरू कर देता है, होती उसमें चिकनाई वाली बीट होती है थोड़ी व्हाइट कलर की है पर आपको कायदा तौर पर महसूस हो रहा होता है कि जैसे ये चिकनाई है इसके अंदर, तो ये पांचवी किस्म होगी। जो छठी किस्म है वो कबूतर जो है सफेद कलर की बीट शुरू कर देता है, बिल्कुल सफेद, और या फिर जो कबूतर है जर्द कलर की, मतलब कि हल्का सा जो है उसका जर्द कलर होता है जिसको क्रीम कलर आप कह लें, हल्का सा क्रीम कलर होता है, जर्द कलर होता है, वो उसमें जो है पानी थोड़ा सा होता है, बिल्कुल पानी नहीं होता, हल्का सा उसमें पानी जो है नमी होती है, तो वो कबूतर की जो एक बीट की एग्जाम है उससे आपको पता चलता है कि कबूतर के अंदर जो है पानी की कमी हो चुकी है, इस कबूतर को जो है पानी की कमी होगी, इसका हमने पानी पूरा करवाना है। ये कब होता है जब कबूतर बीमारी में आते हैं, तो तब जो है अक्सर ऐसा होता है कि कबूतर जो है बीमारी में आने की वजह से उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, अगर उनको फौरी तौर पर उसका इलाज ना किया जाए तो कबूतर जो है मौत के मुंह में चला जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये सब चीजों का पता हो। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है इससे मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी कबूतरों की सेहत को परखने में, अपने कबूतरों की उड़ान को परखने में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जो है मैंने जो है उम्मीद है कि दी है कि उससे आपको कबूतरों के जो है आपने परखना कैसे है कि आप किस कंडीशन में है, इनको हमने इस तरह की ड्रॉपिंग कर रहा है तो ये किस चीज की इसको अब जरूरत है। ये एक पूरी साइंस है, कबूतर को जी बीट को पढ़ना है, ये तजर्बे के साथ साथ आप जब गौर करते जाएंगे तो आपको जो है महसूस होता जाएगा कि इसको जो है अब इस चीज की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। आपने जो देखा होगा कि जो हमारे उस्ताद हैं वो जब कबूतर उड़ के आता है या कबूतरों के सुबह लोट में जाते हैं तो सबसे पहले ड्रॉपिंग देखते हैं, उसके पीछे रीजन ही ये है कि वो उसके थ्रू उसके पूरा जांच लेते हैं कि कबूतर अब क्या मांग रहा है, कबूतर के अंदर किस चीज की कमी है, किस चीज की ज्यादती है, उसको क्या जरूरत है, उसको हमने क्या डाइट में देना है, क्या उसकी मेडिकेशन करनी है। ये पूरा जो है एक सिलसिला है बीट का, जो है ये पूरी एक साइंस है कबूतर परवरी के अंदर। तो छह किस्में हमने जो है बीटों की डिस्कस कर ली है, और जो सातवीं किस्म है वो है कबूतर को बाज औकात जो है खूनी पेचेस लग जाते हैं, वो जब ड्रॉपिंग करता है तो उसके अंदर बकायदा तौर पे आपको खून नजर आता है रेड कलर का, आपको पता लगता है कि कबूतर के जो है खून अंदर हो गया है,
इसकी मतलब के आंतें जो है वो इन्फेक्टेड हो गई हैं। जब आंतों में इन्फेक्शन होती है तो कबूतर जो है हुनी पेचेस करता है, तो ये होगी सातवीं किस्म। ये आपको पता चलेगा, इसका भी इलाज बहुत जरूरी है। अगर इलाज ना किया जाए तो कबूतर जो है वो उसकी आंतों में खराब होने की वजह से वो उसका हजम कुछ नहीं होता और वो मौत के मुंह में चला जाता है। इसका भी इलाज जो मैं आने वाले सीक्वेंस में जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आठवीं जो किस्म है वो है कबूतर बाजू का जब ड्रॉपिंग करता है उसके अंदर आपको जो है कीड़े नजर आते हैं। वो कीड़े क्यों नजर आते हैं? जब कबूतरों की हम डीवर्मिंग नहीं करते तो उनके पेट के अंदर जो है वो सूनिये टाइप जो है वो कीड़े हो जाते हैं, जिसको वर्म्स कहते हैं, मैदे के वर्म कहते हैं। वो कबूतर जो भी खाता पीता वो अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, उसको उधर ही अंडे देते रहते हैं, उनके बच्चे निकलते रहते हैं, वो बड़े होते रहते हैं और कबूतर के अंदर उनकी मिकदार ज्यादा होती रहती है और कबूतर जो है सोकड़े में चला जाता है। और जब बहुत ज्यादा अंदर हो जाए तो उसकी ड्रॉपिंग के अंदर वो बाकायदा तौर पर आपको जो ड्रॉपिंग करेगा जिंदा कीड़े हिलते हुए उसके अंदर नजर आएंगे। आपको पता चलेगा कि यार इसके जो है अंदर जो है कीड़े हो गए हैं, तो इसकी डिवर्मिंग करनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले सीक्वेंस के अंदर। और जो नौवीं और आखिरी किस्म है, उम्मीद है मैंने सब जो किस्में हैं वो कवर कर दी हैं। जो नौवीं किस्म है वो कबूतर की तंदुरुस्त बीट कैसी होगी, तंदुरुस्त कबूतर जो है उसकी ड्रॉपिंग कैसी होगी, वो आपको जैसे आप देखते हैं नॉर्मली वो ब्राउन सी कलर की होती है और उसमें ना पानी बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, वो मतलब कि आपको ठोस ही हालत में महसूस होगी तो आप जो है देखेंगे कि आपका कबूतर ठीक है। तो ये सारी जो है किस्में मैंने जो वन बाय वन जो है आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब इनके ऊपर एक एक करके मैं वीडियोस लाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये तो पता चल गया ये इस किस्म की है, तो उसको हमने रिकवर कैसे करना है, उससे हमने उसको तंदुरुस्त कैसे करना है, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियोस बना के जो है शेयर करूंगा। और ये कबूतरों के जो आप ये सामने देख रहे हैं इनके पर जो है 40 दिन के हो गए हैं, तो अब इनको 5 दिन के बाद डिवर्मिंग करके तो फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि हमने इनको बाहर कैसे छोड़ना है और इनको हमने उड़ाना कैसे है। वो भी साथ साथ बैसाख की तैयारी के जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ बना बना के जो है शेयर करता जाऊंगा, प्रैक्टिकली तौर पर करके बताऊंगा आपको, ताकि आप दोस्तों को जो है उसका फायदा हो सके, आपको प्रैक्टिकली पता चल सके कि ये किस तरह किया जाता है। मैंने आज आपको जो है ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबका फायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो है जो है वो आपको पहुंच सके, और साथ में जो है बेल आइकॉन के ऊपर जरूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो है इसका फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।